तो गाइस कंगुआ का ग्लिम्स आ चुका है। जिसने अभी तक नहीं देखा जल्दी से जाकर देख लो, क्योंकि बहुत ही ज्यादा बेहतरीन ये ग्लिम्स उन्होंने डाला हुआ है। आपको देखकर एकदम मजा आ जाएगा। और सबसे अच्छी बात इसमें पता क्या है, आप इसे अलग अलग भाषाओं में देख सकते हो। क्या बोला तूने? आपको कि इसमें अलग क्या भैया, वो तो हम कभी भी किसी भी भाषा में जब वो डालेंगे उसमें देख सकेंगे। नहीं, पर आप एक ही वीडियो में उसे अलग अलग भाषा में देख सकते हो। सेटिंग में जाना, वहाँ पे ऑडियो का बटन होगा, उसमें आप अपनी मनपसंद जो भाषा है उसे चुनकर उसमें देख सकते हो। इससे ज्यादा मतलब वीडियो को ग्रोथ मिलेगी और ज्यादा वायरल होने के चांसेस होंगे। जो स्प्रेड हो जाते थे ऑडियंस, अब वो एक पे आएगी। इन्होंने बहुत ही अच्छा मूव चला है। बात तो सही है। वेरी चालाक ब्रो, बहुत ही खतरनाक वाली चीज चली है। और जो इसका बीजीएम है वो तो भैया एक तरफा है। मतलब ग्लिम्स शुरू होता है तो उसमें जो सूर्या जी है, मतलब बहुत ही ज्यादा मेरे को तो मतलब फेवरेट है एक तरह से। वो एक्टर साउथ के हैं, तो आपने उनकी काफी सारी मूवीज देखी होगी। एक आपकी जानकारी के लिए फिर भी बता दूं, जो सिंघम है वहां पे जो बनी थी वो उन्होंने ही करेक्टर निभाया था, वही इस अब मूवी में होने वाला है। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आया तो गूगल सर्च कर लीजिए, मिल जाएगा आसानी से। बट इसमें जो जब वो आते हैं, उनकी एंट्री होती है, उनकी मतलब जो बड़ाई के लिए बोला जाता है ना, ये पुराने टाइम का मतलब लग रहा है। एक सीन है कि पुराने टाइम पे जैसे लोग लड़ते थे, हाथों से लड़ते थे, भाले से, तलवार से, तीरों से लड़ते थे, तो उस तरीके का वो सीन उसमें दिखाया गया है। और उनके पीछे एक तरह से एक बोल सकते हैं हम रैप की तरह भी चल रहा है, या बोल सकते हैं एक पोइट्री की तरह चल रहा है। लेकिन जो भी वो चल रहा है ना, सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है कि बादलों को चीर कर, शेरों को दहाड़ कर, मतलब उनके पंजे छाती पे सहकर ऐसे ऐसे वर्ड्स यूज किए हैं, तो एकदम आपके ऐसे रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप देखकर बोलोगे वाओ यार क्या बात है। मतलब ये मतलब लग रहा है कि किस तरफ को ये लोग अब जा रहे हैं, कितने हाई लेवल पे जा रहे हैं। अगर वो कहते हैं ना कि भैया ऑडियंस का इस पे पैसा लगता है और अच्छे बजट में हम अच्छी चीज देंगे, तो अच्छी मतलब तारीफ भी होगी। और इन सिनेमा को जब ये रिप्रेजेंट करेंगे तो कितना हाई लेवल आएगा, क्योंकि हर कोई हॉलीवुड की तारीफ करता है, चीजें बताता है कि उसमें ऐसे होता है वैसे होता है। इसमें एक्टिंग का दम तो है ही है, बाकी जो इसमें सीन है स्टोरी में जो दम होता है वो देखने को मिलता है। मतलब पूरी तरह से हमें अभी इसमें समझ में नहीं आया, जब टीजर और ट्रेलर आएगा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसका मैंने जो मतलब इसके बारे में जो रीड किया, मतलब स्पॉइलर नहीं दे रहा, ये जो वॉरियर होता है ये जब मर जाता है तो इस पे एक सर्च करती है लड़की कि इतना तगड़ा वॉरियर कैसे मर गया। मतलब वो आज के प्रेजेंट टाइम में और पास्ट टाइम के वॉरियर के बारे में सर्च कर रही होती है। तो ये स्टोरी आप देख सकते हो ऐसे दोनों तरफ चलेगी। और उस कैरेक्टर को निभाने वाली है दिशा जी, अब देखते हैं क्या होता है इसमें। और बाकी इसमें मुझे मुझे नहीं लगता और किसी चीज की तारीफ करने की अभी जरूरत है। VFX का बहुत अच्छा कमाल किया गया है, BGM बहुत अच्छा दिया गया। अब एक्टर तो है ही एक तरफा कमाल, उनका लुक भी एक तरफा है भैया। वो आंखों से जो लास्ट में देखते हैं ना, ऐसा लगता है कि इंसान की आत्मा के अंदर देख रहे हो, दहलका मचा देते हैं भैया, एक तरफा है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय दोस्तों।